उसके बाद देखिए नेक्स्ट थ्योरम है यहाँ पर कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, जिसका नाम है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, जो कि आपके सामने ये कहती है कि इन ए ट्रेंगल, किसी एक ट्रेंगल में द स्क्वायर ऑफ वन साइड, आपके पास किसी भी एक साइड का जो स्क्वायर है वो इक्वल आता है अगर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, मतलब किसी भी एक साइड का स्क्वायर अगर इक्वल आता है किसी भी दूसरी बाकी जो बची दोनों साइड है उसके स्क्वायर के सम के इक्वल आता है, तो जो एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड, जो पहली वाली साइड के अपोजिट में एंगल था, वो आपका एक राइट एंगल होगा। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब क्वेश्चन में हमें यहां पर ये गिवन है, क्वेश्चन में हमें यहां पर ये गिवन है कि अगर आपके सामने मान लीजिए, या उधर का शेप बनाता हूं क्योंकि इधर फिर जगह कम पड़ जाएगी। मान लीजिए आपके सामने यहां पर एक ट्रायंगल है, आप देख सकते हैं यहां पर एक मैंने ट्रायंगल बनाया और क्वेश्चन में इसका नाम दिया यहां पर ए, और यहां पर इसका नाम दिया बी, और यहां पर इसका नाम दिया सी। तो अगर आपके सामने यहां पर मान लीजिए इस ए सी का स्क्वायर जो है वो इस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल आएगा, तो पहली वाली साइड के अपोजिट में जो भी एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, ये हमें प्रूफ करना है। इतना समझ आया? तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है कंडीशन में, हमें कंडीशन में यहां पर गिवन है कि जो ए सी का स्क्वायर है वो आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल है। कंडीशन में ये गिवन है कि जो साइड है उस साइड का स्क्वायर जो होगा वो आपके पास बाकी बची हुई दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा। तो जो पहली वाली साइड के अपोजिट में एंगल है वो 90 का है, ये प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ में क्या लिखेंगे कि जो एंगल बी है वो 90 का है, या फिर एंगल बी इज ए राइट एंगल, एंगल बी इज ए राइट एंगल, या फिर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें यहां पर प्रूफ करना है। अब मैं यहां पर एक थोड़ा सा बड़ा सा कंस्ट्रक्शन करूंगा और कंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखना। मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एक ट्रायंगल बनाऊंगा और वो ट्रायंगल यहां पर कुछ इस तरीके से होगा, वो ट्रायंगल यहां पर कुछ इस तरीके से होगा, किसका नाम अगर डी ई और एफ दिया, तो ड्रॉ ए ट्रायंगल या कंस्ट्रक्ट ड्रॉ लिख दो, ड्रॉ ए ट्रायंगल डी ई एफ, आपने एक ट्रायंगल डी ई एफ बनाया सच दैट, इस तरीके से बनाया कि जो आपका ये वाला डी ई पार्ट है वो इस ए बी के इक्वल है, ये जो डी ई पार्ट है वो इस ए बी के इक्वल है, ये कंस्ट्रक्शन है। मैंने इस कंस्ट्रक्शन को बनाया ही इस तरीके से है कि ए बी पार्ट डी ई के इक्वल आ जाए और ये जो बी सी पार्ट है वो ई एफ के इक्वल आ जाए, और ये जो बी सी पार्ट है वो ई एफ के इक्वल आ जाए। ये कंस्ट्रक्शन मैंने बनाया ही इस तरीके से है। और यहां पर एक खास बात करी है, मैंने क्या करा है कि मैंने जो ये डी ई है और ई एफ है उन दोनों को बिल्कुल परपेंडिकुलर पे बनाया है, मतलब ये 90 का है वो भी मुझे पता है, मतलब एंगल ई इज इक्वल टू 90 है ये भी मुझे पता है। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या करा, इस ट्रायंगल के सिमिलर में ही एक ट्रायंगल बनाया और वो ट्रायंगल इस तरीके से बनाया कि उसकी परपेंडिकुलर की साइड को भी इस वाली साइड के परपेंडिकुलर की साइड के सेम लिया, उसकी बेस वाली साइड को इसकी बेस की साइड के सेम लिया, मतलब लेंथ के सेम लिया। और खास बात ये थी कि जो वहां पे परपेंडिकुलर और बेस है वो दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर बने हैं, मतलब ये और ये दोनों साइड जो है वो बिल्कुल 90 डिग्री पर है। क्या आपको ये समझ आया? यहां 90 प्रूफ करना है वो अलग बात है, लेकिन वहां जो है वो 90 का है। अब ध्यान से देखिएगा, अब हमारे यहां पर प्रूफ स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको पता है, इससे पहले जो हमने अभी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी एंगल आपका 90 डिग्री का होगा तो उसके सामने वाली स्क्वायर का जो साइड का जो स्क्वायर है उसका सम जो होगा, सॉरी उसके सामने वाली साइड का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल आएगा अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के। मतलब अगर इफ एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर एंगल ई 90 डिग्री है तो आपका जो ये डी एफ का स्क्वायर होगा, ये डी एफ का स्क्वायर इक्वल आएगा डी ई प्लस ई एफ के स्क्वायर के, डीई का स्क्वायर प्लस ई एफ के स्क्वायर के, क्योंकि बाय पाइथागोरस थ्योरम। अभी हमने लास्ट थ्योरम में यही पढ़ा था, एक 90 है तो स्क्वायर का सम इस तरीके से इक्वल आता है। ओके, अब यहां पर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिया था कि डीई जो है वो ए बी के इक्वल है और बी सी ई एफ के इक्वल है, तो यहां पर ये डी एफ तो सेम है, ये डी एफ तो आपका सेम है, लेकिन इस DE की जगह मैं ये AB पुट करूंगा तो AB का स्क्वायर, और इस EF की जगह मैं ये वाला BC पुट करूंगा तो BC का स्क्वायर। इतना भी समझ आया?
अब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये दोनों किसके इक्वल था बाय गिवन क्वेश्चन में आपको गिवन था कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर के इक्वल था तो आप इस डी एफ स्क्वायर को किसके इक्वल पुट कर दोगे इस डी एफ स्क्वायर को इस ए सी स्क्वायर के इक्वल पुट कर दोगे क्योंकि ये आपने लिखा बाय कंस्ट्रक्शन की हेल्प से आपने ये रिजल्ट लिखा भाई डी ई लिखा था डी ई ए बी के इक्वल है ए बी पुट कर दिया ई एफ लिखा था ई एफ आपका कहां गया ये रहा बी सी के इक्वल है तो ई एफ की जगह बी सी पुट कर दिया और ये दोनों का स्क्वायर का सम किसके इक्वल है ये तो मुझे गिवन है कि ये एसी स्क्वायर के इक्वल है तो इसकी जगह मैंने एसी स्क्वायर पुट कर दिया अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल फाइनली आपका जो डीएफ है वो किसके इक्वल आ गया आपका जो डीएफ है वो एसी के इक्वल आ गया मतलब ये वाली साइड भी जो है वो इस वाली साइड के स्क्वायर के इक्वल आ गई इतना समझ आया अब एक छोटी सी बात ध्यान से देखो आपके पास ये साइड डीई इस एबी के इक्वल है वो यहां लिखा ये जो बीसी है वो इस ईएफ के इक्वल है वो यहां लिखा और अभी आपने प्रूफ करा कि जो डीएफ है वो एसी के इक्वल है ये जो है डीएफ वो इस एसी के इक्वल है यहां पर तो साइड से ये तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट नाइन्थ क्लास वाला समझ रहे बाय साइड से जो ट्रायंगल हो गया वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मैं यहां पे लिखूंगा इसका नाम दे दूंगा ऐसे यहां पे नाउ इफ अगर आपका जो डीई है वो एबी के इक्वल है कंस्ट्रक्शन की हेल्प से आपका जो बीसी है वो ईएफ के इक्वल है कंस्ट्रक्शन की हेल्प से और अभी आपने प्रूफ करा कंडीशन नंबर थर्ड में कि जो आपका डीएफ है मैं यहां लिखता हूं जो आपका डीएफ है वो डीएफ आपका एसी के इक्वल है ये कंडीशन नंबर थर्ड में आपने अभी प्रूफ करा तो साइड और साइड वाले से ये साइड उसके इक्वल ये साइड उसके इक्वल वो साइड उसके इक्वल तो साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए मतलब एबीसी जो है ट्रायंगल एबीसी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया कॉन्ग्रुएंट का सिंबल इस तरीके से होता है तो एबीसी कॉन्ग्रुएंट हो गया डीईएफ के ट्रायंगल डीईएफ के क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया किस वजह से बाय साइड की वजह से अब आपको पता है अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बाय सीपीसीटी समझ रहे सीपीसीटी मतलब कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बाय सीपीसीटी से उसके एंगल भी आपस में सेम होते हैं इसका मतलब अगर एंगल ई 90 डिग्री का है तो एंगल बी भी आपका 90 का होगा सो बाय सीपीसीटी आपका जो एंगल ई है वो एंगल बी के इक्वल आ गया इसका मतलब वो 90 डिग्री के इक्वल आ गया और यही हमें यहां पर प्रूफ करना था तो क्या ये आपको समझ आया बहुत आसान था सबसे पहले मैंने क्या करा भाई यहां पर एक कंस्ट्रक्शन करा कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर की साइड का सेम लिया और बेस की साइड को सेम लिया भाई आपके पास मान लो एक घर है उस घर के कोई ना कोई परपेंडिकुलर है उसकी कोई ना कोई हाइट है मैंने दूसरा घर बनाया जो बिल्कुल उसी हाइट का है उस घर का कोई ना कोई बेस है मैंने दूसरा घर बनाया जो बिल्कुल उसी बेस का है बस वहां पर इतना सा फर्क दिया कि जो वो परपेंडिकुलर और बेस है वो दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर है मतलब हाइट और बेस जो है वो 90 डिग्री पर है अब मैंने क्या प्रूफ करा किसी तरीके से उसको हाइपोटेनियस को इक्वल प्रूफ कर दिया जो कि यहां पर था और फिर ये परपेंडिकुलर भी सेम वो बेस भी सेम वो हाइपोटेनियस भी सेम इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बिल्कुल एक जैसे ही है बिल्कुल सेम शेप और सेम साइज के हैं तो उसका एंगल भी क्या होगा बाय सीपीसीटी सेम होगा अगर एंगल सेम होगा तो ये 90 था वो मैंने लिया था तो बी भी क्या हो जाएगा बी भी 90 हो जाएगा तो यही हमें प्रूफ करना था और यही आपकी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है क्या ये आपको समझ आया